हाई मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये वीडियो उन सब पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए है जिनके घर में अभी अभी एक न्यू बॉर्न बेबी आया है या आई है। वाइल आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं बेबी को लेके, बट आई एम श्योर थोड़ा नर्वस भी होंगे, स्पेशली ये सोच के कि जब बेबी उठा हुआ होता है तो उसको हम एंगेज कैसे करें ताकि उसकी फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जो मेरे दोनों ही बच्चों के साथ बहुत काम किए हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम्स में मैं नेक्स्ट फेजेस के भी एंगेजमेंट आइडियाज और बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करती रहती हूँ। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। 0 to 3 months के पीरियड को एक ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है या एक फोर्थ ट्राइमेस्टर बोला जाता है, जहां पे मेन फोकस पेरेंट्स को करना है कि बेबी को आप ट्रांजिशन करा सकें। अभी तक बेबी को आपके वूम्ब की आदत थी, अब इस बेबी को इस दुनिया की आदत होनी है। तो एकदम से इतने सारे चेंजेस मत बेबी को दीजिए जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। थोड़ा सा उसी तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जैसा कि लास्ट ट्राइमेस्टर में था, जिससे बेबी को काफ़ी कामनेस मिलेगी और बेबी इजीली एडजस्ट भी कर पाएगा। 0 to 3 months के बेबीज काफ़ी ज़्यादा टाइम सोने में स्पेंड करते हैं। इस टाइम पे बेबीज अराउंड 18 से 22 घंटे भी सोते हैं, तो उनकी जो उठने की विंडो होती है वो बहुत कम होती है। अब उस विंडो में आपने बेबी को फीड भी करना है, उसका डायपर चेंज भी करना है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप बेबी को एंगेज कर सकें। तो जितना भी टाइम आपको मिले उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए। सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगी, अपने बेबी से बात कीजिए। अभी तक आपके बेबी को आपकी आवाज़ सुनने की आदत थी, आपकी आवाज़ ही ऐसी चीज़ थी जो बेबी को काम कर रही थी। सो मेक श्योर कि आप बेबी से बात करें। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बात क्या करें। आप नॉर्मल बात कीजिए, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाइए, हंसिए। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई भी बुक उठा के बेबी को पढ़ने लग जाइए, या फिर गाने गाइए, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बात कीजिए। अगर आपके पास फैमिली की कोई फोटो एल्बम है तो वो बेबी को दिखाइए। इस टाइम पर बेबी का विजन क्लियर नहीं है, बट हियरिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप जितना अभी से बेबी से बात करेंगे उतना ही बेबी की वोकैबुलरी आगे जाके बढ़ेगी, बेबी का इंटरेस्ट आपसे बात करने में बढ़ेगा और उतना ही बेबी की सोशल डेवलपमेंट भी होगी। दूसरा टिप है कि बेबी को नेचर से इंट्रोड्यूस कीजिए। यू नो, नेचर में अपनी ही काफ़ी सारी ऐसी साउंड्स होती हैं, जब एकदम कामनेस होती है तब वो आप साउंड्स सुन सकते हो, फील कर सकते हो, तो उससे बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए। मॉर्निंग टाइम में आप बेबी को बाहर लेके बैठिए बालकनी में, आपके आसपास जो पार्क है, जब भी आपके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट करें, आप बेबी को सुबह के टाइम पे पार्क में लेके जाइए। बेबी को अच्छी धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, और साथ ही जो एक बर्ड्स की साउंड है या आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो साउंड्स है उससे उसको एक बहुत कामनेस मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप शाम को भी ले जा पाएं तो नथिंग लाइक इट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेबी को नेचर में मज़ा आने लग जाएगा, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर सपोज टू डू। ह्यूमन बीइंग्स का घर के अंदर बंद रहना उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। आप जितना उनको नेचर में जाने देंगे उतना ही उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट और उनके ब्रेन की स्टिम्युलेशन होगी। तीसरा टिप है म्यूज़िक। म्यूज़िक के साथ कभी भी आप गलत हो ही नहीं सकते। आप जिस तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे वो नॉर्मल म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो या फिर स्पिरिचुअल म्यूज़िक हो, आप उस तरीके का म्यूज़िक लगाइए जब बेबी अवेक है, उससे उसको काफ़ी कामनेस मिलेगी। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों सोने के टाइम पे एक पर्टिकुलर गाना ही सुनते थे, हम वो गाना ऑन करते थे और उसी से उनको धीरे धीरे नींद आने लग जाती थी, और इवेंचुअली वो ये समझ गए थे कि ये जब गाना चलेगा तो मतलब हमारे सोने का भी टाइम हो गया है। तो बच्चों की म्यूजिक के साथ एक एसोसिएशन बन जाती है और धीरे धीरे म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। एंड म्यूजिक थेरेपी हमें पता है कि अच्छी अच्छी बीमारियों को भी सॉल्व कर देती है, तो बेबीज के लिए आप इमेजिन कीजिए कितना कामिंग इफेक्ट देगी। तो जरूर म्यूजिक चलाइए, चाहे वो राइम्स हो, चाहे वो किसी भी और तरीके का म्यूजिक हो। डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइम है डे का, आप डिफरेंट म्यूजिक चॉइसेस अपनी यूज कर सकते हैं। अगला टिप है टमी टाइम। जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करें, जो आप दिन में काफी बार करेंगे, बेबी को कुछ सेकंड के लिए टमी टाइम दीजिए।
दीजिए, बेबी को जब आप मसाज कर रहे हैं तब उसे कुछ सेकंड के लिए टमी टाइम दीजिए, जब आप बेबी के साथ खेल रहे हैं या बेबी अवेक है तब उसे कुछ सेकंड्स के लिए टमी टाइम दीजिए। ये टमी टाइम शुरू में सेकंड्स के लिए होता है और आगे जाके मिनट्स में चेंज हो जाता है। ये टमी टाइम ही है जो आपके बेबी को फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, सबसे पहले उसकी नेक का कंट्रोल उसको देगा, जिससे कि उसके लिए जो वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर नेक का कंट्रोल, आपके जो उसके शोल्डर्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, हाथ के मसल स्ट्रांग होंगे, नीज, लेग्स, धीरे धीरे पूरी बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी एंड बेबी अपने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स को मीट करना स्टार्ट कर देगा। अगला टिप है प्ले जिम। प्ले जिम में आप बेबीज को बिल्कुल छोटी एज से ही रख सकते हैं, ये बच्चों के मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। प्ले जिम में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, कलर्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है उन्हें हिट करने का या उन्हें पकड़ने का, तो अपने हाथ पैर धीरे धीरे चलाना शुरू कर देते हैं एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 months एंड ये उनकी एक्सरसाइज के लिए, उनकी एक्टिविटी और मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप एक प्ले जिम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्ले जिम नहीं है तो आप यू नो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, DIY कर सकते हैं, आपके पास बॉल है तो उससे कुछ कुछ चीज़ें हैंग कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, बट इस तरीके का एक सेटअप आप बेबी को दीजिए। अगला टिप है ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स। तो इस टाइम पे बेबी का जो कलर का विजन है वो नहीं होता है, इस टाइम पे बेबी को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स मिल जाते हैं या बुक्स मिल जाती हैं जो आप अमेजोन पे आराम से ढूंढ सकते हैं, तो उसको बेबी को देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। बेबी से बात कीजिए कि आप बेबी को क्या दिखा रहे हैं एंड टमी टाइम के टाइम पे जब आप ये कार्ड्स बेबी के सामने रखेंगे तो उसका और इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी नेक ऊपर करके इन कार्ड्स को देखे। अगला टिप है बुक्स। अगेन गाइज, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद बुक्स, और बुक्स इंट्रोड्यूस करने की कोई राइट या रॉन्ग एज नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप बुक्स का इंट्रोडक्शन कीजिए। इनफैक्ट मेरी बेटी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है रादर देन टॉयज, उसको शुरू से ही हमने बुक्स दिखाई हैं एंड शी लव्स, अब तो उसको पेजेस भी फ्लिप करना आ गया, शी इज़ जस्ट 9 months ओल्ड एंड शी जस्ट लव्स टू स्पेंड टाइम विद बुक्स। सो जितनी जल्दी हो सके आप बुक्स उठाइए, कोई हाई फाई बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपके पास एक एल्डर सिबलिंग है तो उसकी बुक्स उठा लीजिए, अपनी कोई बुक्स उठा लीजिए, बेसिकली जिन बुक्स में बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, जिन बुक्स में स्टोरीज होती हैं जो आप रीड कर पाएं, बिकॉज कई बार पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं कि अच्छा मुझे तो स्टोरी बनाना ही नहीं आता, तो इट्स ओके, बुक्स हैं, आप वो बुक्स से स्टोरीज बच्चों को पढ़ के सुना सकते हैं। अगला टिप है कॉट मोबाइल्स। तो अगर आप बेबी के लिए कॉट या कोई झूला यूज करें, यू नो जिसमें डिफरेंट चीजें हैंग कर रही होती हैं, काफी कॉट मोबाइल्स में म्यूजिक भी होता है, तो उसी को बच्चे इतना टाइम देखते रहते हैं, उसको गेज करते रहते हैं और कई बार उसको देखते देखते सो जाते हैं। और अगर आपके पास कॉट मोबाइल नहीं है या आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सिंपल सा मेरा टिप है फैन गेम। सो जब बेबी उठा हुआ और ऊपर देख रहा हो तो आप उसे फैन के नीचे लिटा दीजिए और फैन को ऑन कीजिए, फैन धीरे धीरे घूमेगा, फिर फैन को बंद कर दीजिए। तो जब फैन घूमता है तो बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो उसी में खो जाते हैं, तो दिस इज अ फन गेम यू कैन प्ले। अगला मेरा टिप है मिरर्स। गाइज, डोंट गो बाय द मिथ कि बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, इनफैक्ट बच्चे शीशे की गेम बहुत ही इंजॉय करते हैं, तो आप मिरर दिखाइए, बच्चे अपने आप को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे आप उनके साथ पीकाबू गेम खेल सकते हैं, आप टैप करके बता सकते हैं कि ये नूर का नोज है, ये कबीर के चीक्स हैं, यू नो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, तो बच्चों को मिरर गेम में बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट वो मिरर में बेबी को देखने के चक्कर में जब आप उन्हें टमी टाइम देते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड होकर उठने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट है रैटल्स। तो रैटल्स में साउंड होती है जो बच्चों को इस टाइम पर काफ़ी अट्रैक्ट करती है, जैसे मैंने बताया उनका अभी विजन क्लियर नहीं है बट हियरिंग एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप रैटल्स को लेके एक्चुअल में उनकी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट पर काम कर सकते हैं, जिससे कि उनका नेक कंट्रोल स्ट्रांग होगा। आप रैटल को मूव करेंगे, धीरे धीरे बेबी पहले अपनी आईज मूव करेगा और फिर धीरे धीरे अपनी नेक को मूव करना स्टार्ट करेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो फॉर देम। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बेबी साउंड्स को फॉलो कर रहा है। आप रैटल को पीछे लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो बेबी उसको फॉलो करेगा, जिससे उसकी साउंड फॉलोइंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो गाइज, ये वो 10 चीज़ें हैं सिंपल सी जिसको करते कराते आपके 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। यू कैन बी क्रिएटिव, काफ़ी बच्चों को इससे अलग अलग चीज़ें भी पसंद आती हैं, सो डू वॉट एवर यू लाइक। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने बच्चों के साथ करी थी और उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, उनको मज़ा आता था और हमारा टाइम कहाँ निकल जाता था हमें पता भी नहीं चला। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID नीचे दिया गया है, और हमारी वेबसाइट जहाँ पे आपको इंग्लिश कॉन्टेंट मिलेगा ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर, उसे भी फॉलो कीजिए, momcomindia.info। नाउ टॉक टू यू सून, बाय।